स्मार्ट एजुकेशन बाय आर राजपूत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे क्लास LKG टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ग्रामर। तो शुरुआत करते हैं हम आज। इससे पहले आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। तो आज शुरुआत करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th। पहले आपको जवाब देना है फिर आंसर बताया जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्लास 12th के जो एनुअल एग्ज़ाम में आया था डुअस डायरेक्ट वाले प्रश्न क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देखें और ध्यान दें इस प्रश्न के ऊपर, उसके बाद आपको हल करना है। दो सेंटेंस दे रखे हैं। पहला सेंटेंस है शी डिड नॉट टॉक टू मी और सेकंड वाला सेंटेंस है सी डिड नॉट लुक एट मी। नीचे क्या दे रखा है क्वेश्चन को समझे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। अच्छे से समझ ले इस क्वेश्चन को, नाइदर नॉर का यूज़ इसमें करना है, दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनेगा देखें, सी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक एट मी। ठीक है, अब इस प्रकार से सेंटेंस बना। क्यों बना इस प्रकार का सेंटेंस तो समझे, मैंने नीचे लाइन दे रखी है, कंबाइंड टू नेगेटिव सेंटेंस। भाई क्या किया गया है, दो सेंटेंस को कंबाइंड किया गया है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें, विद द सेम सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि उसकी सेम सब्जेक्ट और क्या दे रखी थी, वर्ब एक जैसी दे रखी थी, इसलिए हमने क्या किया इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से बना लिया। अब समझे अच्छे से, सी डिड नॉट टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी। अब दोनों सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक जैसी है, तो दोनों में से एक को यूज़ करना है। तो हमने देखे नीचे सेंटेंस में शी एक बार यूज़ किया है, उसके बाद में ऊपर वाला जो सेंटेंस वो नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट का है। जब नेगेटिव सेंटेंस को जब अफर्मेटिव में लेकर आते हैं पास्ट के, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो इसमें हमने नाइदर का यूज़ किया है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी इसमें यूज़ किया है। तो समझे आगे, जब पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में लेकर आएंगे तो डिड नॉट हट जाएगा, उसकी जगह पर नाइदर का यूज़ करेंगे और ध्यान देना है अपने को, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम नॉर का इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस और सेकेंड वाला सेंटेंस दोनों ही पास्ट के, इसलिए दोनों को अपने को नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भाई हमारा सेंटेंस क्या बना, शी डिड नॉट को हटाया, नाइदर लगा दिया और जो टॉक था उसको टॉक्ड में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि पास्ट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस में लेके आते हैं तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद टू में उसमें दे रखा था। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉर का यूज़ किया और सेकेंड वाले सेंटेंस की जो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हटा दिया और उसको पास्ट में हमने बदला, तो सेंटेंस क्या बन गया, लुक एट मी पूरा बन गया, सी नाइदर टॉक्ड टू मी नॉर लुक एट मी। धन्यवाद।